आज मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन पर कांग्रेस राव विधायक व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। पटवारी ने बोला कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 महीने बाद इंदौर आए कोरोना तो एक बहाना है। पटवारी ने बोला कि मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने बाद इंदौर आए हैं, सावेर चुनाव को लेकर आज इंदौर आना हुआ है, चुनाव जीतना जो है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी, आपका इंदौर आगमन हुआ उस समय 2 महीने बाद जब हमारा 6ठे नंबर पर देश भर में शहर संक्रमित में चला गया, 150 से ज़्यादा मौत हो गई, फिर भी आप आए, आपका स्वागत है। पर मैं मानता हूँ कि आपका मोटिव आपके कार्यक्रम से पता चलता है, जिसमें आपने सांवेर के चुनाव के संदर्भ में चुनावी कार्यकर्ताओं से मीटिंग, यानी चुनाव जीतना, आपका मोटिव चुनाव जीतना और मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, ये है। कोविड तो एक बहाना है। मैं मानता हूँ कि किसको जिताने आए आप, उसको जिताने आए जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भाग्य आपके साथ। मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर इस भावना को समझता है कि हम किस कौन दोषी है हमें इस हालात में ले जाने के लिए। पर खैर, आप आए, इसके लिए आपका स्वागत है। आपने जनप्रतिनिधियों से चर्चा, आपके कार्यक्रम का एक हिस्सा है, पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, मुझे किसी प्रकार का कोई निर्देश वहाँ आने का नहीं मिला है। मेरा इंदौर के नागरिकों की आवाज़ के रूप में 5 सजेशन है आपसे, आपने बुलाया नहीं। पर मैं चूंकि मेरे मुख्यमंत्री हैं तो मेरा आग्रह है आपसे बात करूं। कोविड के जितने महामारी में सामान्य मरीजों की जो दुर्गति हुई वो अद्भुत थी, लूट हुई वो अद्भुत थी, उस पर अंकुश लगना चाहिए। इसके लिए दिशा निर्देश और कार्य योजना बननी चाहिए। जो कोविड की महामारी से निपटना है तो टेस्टिंग जरूरी है, टेस्टिंग सघन जरूरी है, उसको लेकर आपको कार्य योजना बनानी चाहिए। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, इसको लेकर आप सब्जी सप्लाई चेन खाने पीने की सही हो उसको दुरुस्त कैसे कर सकें, इस पर आपको एक कार्य योजना फिर से बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके साथ तो आपने लगातार प्रशासन में फेरबदल किए, कलेक्टर बदला, कमिश्नर बदला, अन्य प्रशासन बदला, सख्ती से बजाय समन्वय से इंदौर वासियों से कैसे काम हो, इस पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप काम करोगे या प्रशासन काम करेगा तो हम सजगता से लड़ पाएंगे। मैं मानता हूँ कि इन सब बातों के अलावा जो परिवार के लोग हताहत हो गए उनको परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजे की प्रोसेस आप कैसे बनाए, कुछ न कुछ जिससे कि उनका घर परिवार के संकट को दूर कर सके, सरकार सहयोग कर सके, उस पर आपका आप कुछ कार्य योजना बनाना चाहिए। और सब होने के बाद मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं भी इस शहर का विधायक हूँ, पॉजिटिव सजेशन ही देता मैं आपको, अगर आप हमसे मिलते, हमें बुलाते तो शायद सार्थकता ज़्यादा होती। डरा हुआ मेरा मुख्यमंत्री नहीं दिखता, बहादुर दिखता। डरे हुए मत रहो, जब तक आप हो तब तक आप अच्छे मुख्यमंत्री रहो। जिस दिन हट जाओगे उस दिन आप हमारे जैसे हमारे परिवार के साथी हैं, भाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस भावना को आपको जीना चाहिए। मेरी उम्र भी कम है, अनुभव भी कम है, फिर भी मेरा ये सजेशन है। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।